ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 21 अप्रैल 2019 रविवार का दिन है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। विशाखा नामक नक्षत्र एवं तुला राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मेष राशि में, चंद्रमा जो कि तुला राशि में, मंगल ग्रह वृषभ राशि में, बुध मीन राशि में, गुरुदेव बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र ग्रह मीन राशि में, शनिदेव धनु राशि में, राहु मिथुन राशि में एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ मिथुन कर्क कन्या वृश्चिक और कुंभ ये 6 राशियां लकी रहेगी। इनको लाभ के संकेत प्राप्त हो सकते हैं। तो मित्रों अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें, मेष राशि, मेहनत और बुद्धिमानी से बड़ा लक्ष्य, चुनौती और सफलता आपको मिलेगी। कैरियर में आगे बढ़ने की कोशिश आप करेंगे। आज आपको किसी खास मामले में तुरंत कोई फैसला करना पड़ सकता है। ऑफिस में कंपटीशन रहेगा। आपकी कोशिश हर समय दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की रहेगी। पार्टनर से सहयोग और आशा रहेगी। उलझे हुए कुछ मामले आप अपनी बुद्धि से निपटाने का प्रयास कर सकते हैं। उपाय के रूप में यदि घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा लेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। कार्य क्षेत्र में नए समझौते होने का योग बन रहा है। आपका ध्यान किसी दूर स्थान पर ज्यादा रहेगा। हो सकता है आप यात्रा का कार्यक्रम बनाइए। यात्रा का कार्यक्रम नहीं बने तो फोन पर लंबी चर्चा होने के योग बन रहे हैं। ऑफिस में कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी मदद करेगा। ग्रहों की अच्छी स्थिति रहेगी। उलझन भरी स्थितियों का समाधान आप स्वयं निकालने में सफलता को प्राप्त करेंगे और घूमने फिरने या फिर सामाजिक कार्यक्रम में मान सम्मान का अवसर आपको प्राप्त होगा। किसी अच्छे दोस्त से मुलाकात होगी। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। आपको बुद्धि और तर्क के दम पर हरेक कामों में सफलता प्राप्त हो सकती है। उपाय के रूप में घर से निकलते समय किसी भी प्रकार की मिठाई खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए दिन बहुत उपयोगी रहेगा। यात्रा के अवसर आपको मिलेंगे। किसी सामाजिक कार्यक्रम का निमंत्रण आपको प्राप्त होगा। आपकी मुलाकात खास लोगों से होगी। आपको अपने नियमित कामकाज से कुछ समय के लिए छुटकारा भी मिल सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात का योग है। दोस्तों से भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त होगी और उनसे कोई फायदा भी होगा। आपकी ज़्यादातर परेशानियाँ अपने आप समाप्त हो जाएगी। जिस काम को आप अधूरा समझ रहे हैं वह पूरा हो जाएगा। बड़े लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में पीले रंग का फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपके द्वारा किए गए काम किस्मत के माध्यम से सफलता को प्राप्त करेंगे। अपने फायदे की चिंता जरूर करें। दूसरों को नाराज किए बिना चतुराई से काम करें। किसी के साथ भी विवाद न करें। कुछ नए और अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं जिन्हें आपको बिना समय गवाए मानना होगा। दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्य करने के लिए आपका मन जो है लगेगा और आप किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार भी कर सकते हैं। आज किसी भी काम के लिए पूरा आत्मविश्वास बहुत जरूरी रहेगा। विशेष लाभ व उन्नति के योग आज आपके लिए बन रहे हैं और उनके लिए कोशिश भी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। उपाय के रूप में यदि आप मछलियों को आटे की गोलियां पानी में डालेंगे तो दिन आपका शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। दिन सामान्य रहेगा। कामकाज में पूरा दिन निकल जाएगा। धैर्य रखें और लोगों से बात करें और उनकी बातों को ध्यान से सुनते रहें। साथ ही चुनौतीपूर्ण स्थितियां आपके हित में रहेगी। आज किए गए काम आपको आने वाले दिनों में फायदा देंगे।
आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। सोचे हुए काम पूरे नहीं होने से आपका मूड खराब हो सकता है। कोई नया काम शुरू न करे, आपके लिए दिन थोड़ा जो है कठिन हो सकता है। कार्यक्षेत्र की स्थितियां आपका ध्यान भटका सकती है। आज आपका मन फालतू कामों में ज्यादा रहेगा, लेकिन खुद को एकाग्र रखने का प्रयास करें। उपाय के रूप में किसी भी मंदिर के पुजारी को यदि आप मिठाई का दान करते हैं तो आपके लिए सुफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। परिवार की स्थितियों में कुछ बदलाव रहेगा, आपकी दिनचर्या बदल सकती है। पैसों की स्थिति में अच्छे खासे बदलाव के मौके आपको मिल सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे किसी बारे में विचार जानने की कोशिश भी कर सकता है, तो आप बहुत ठीक ठाक और साफ ढंग से उनके साथ में अपने विचार रखें और चर्चा करें। जीवन साथी के साथ संबंध और गहरे हो जाएंगे। रोजमर्रा के काम समय पर पूरे होने का योग है। कोई लक्ष्य तय करें, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उसमें आप जुड़ जाएं। आज आप खुद के सच्चे साथी बनेंगे, आपके काम बनते चले जाएंगे। सोच समझ कर फैसला लेने से आपको फायदा होगा। परिवार और समाज में आपका महत्व बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलने का योग है। उपाय के रूप में कच्चे दूध का दान किसी भी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को करते हैं तो आपके लिए सफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, कुछ लोगों पर आपका गहरा असर भी पड़ेगा। आपको ज्यादातर समय परिवार, जीवन साथी, प्रेमी और रिश्तेदारों को देना होगा। दूसरों की मदद आप करेंगे, आसपास के लोगों की परेशानी आप सुनेंगे। लोगों की मदद से आपको भी फायदा होगा। इससे आपको कई प्रकार से आने वाले समय में भी लाभ मिल सकेगा। साथ ही आज आप अपनी प्लानिंग को या अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, किसी से भी शेयर न करें। दिन की शुरुआत थोड़ी खराब हो सकती है, न चाहते हुए भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। परिवार के लोग आपको किसी कठिन स्थिति में डाल सकते हैं। आप पर या आपकी ईमानदारी पर कोई शक भी कर सकता है। रिश्तों के क्षेत्र में कुछ कठिन परिस्थितियां आपके लिए बन सकती है। वाद विवाद में उलझ भी आप सकते हैं। कामकाज में सुस्ती का माहौल रहेगा। और उपाय के रूप में आज घर से निकलते समय अपने बुजुर्गों को यदि आप प्रणाम करके या फिर अपने पितरों को प्रणाम करके निकलेंगे तो आपके लिए दिन सफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अचानक धन लाभ आपको होगा। आज आप किसी खास नतीजे के इंतजार में धैर्य रखेंगे तो खुश भी रहेंगे। यात्राओं की योजना बन सकती है। कार्यक्षेत्र में आप पूरी ताकत से कार्य को निपटा भी लेंगे। कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को थोड़ा सा यथार्थ परक आपको रखना चाहिए और वास्तविकता में आपको ध्यान देना चाहिए। थोड़ा धैर्य भी रखें। आर्थिक तंगी आज समाप्त हो जाएगी। अच्छे लोगों की संगति से फायदा होगा। संतान से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। कोशिशों से समस्या आप सुलझा लेंगे। किसी काम के लिए आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय यदि आप एक इलायची खा लेंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। थोड़ा निवेश करने के बारे में विचार करें। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज होने वाली मुलाकातों या बातचीत में आज आप अपनी बात रख सकेंगे। दूसरों की परेशानियों में आप जितनी सहानुभूति रखेंगे आगे चलकर के उतना ही आपको फायदा होगा। स्थितियों के अनुसार काम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। इससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ सकती है। कहीं से अचानक आपको कोई गिफ्ट या उपहार भी मिल सकता है। उपाय के रूप में एक पीला फूल यदि माता लक्ष्मी जी को आप चढ़ाएंगे तो आपके लिए सफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। आपके लिए दिन उत्साहवर्धक है। मनोरंजन भी होता रहेगा। अपनी इमेज सुधारने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। कुछ नए संबंधों की शुरुआत होने का योग बन रहा है। साथ ही आपको किसी अनजाने व्यक्ति से समर्थन, सपोर्ट या सहयोग प्राप्त हो सकता है। परिवार से जुड़े मामलों पर आपको ध्यान देना होगा। कुछ घरेलू मामले यदि उलझे हैं तो वो भी सुलझ जाएंगे। परिवार का जो भी मामला है उसकी गहराई तक आप जाएं, आपको समाधान मिलने का योग है। कई दिनों से रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक संबंध मधुर हो जाएंगे। और उपाय के रूप में काले तिल यदि आप पानी में डाल करके पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। समय अच्छा है। कई क्षेत्रों में आप एक साथ सक्रिय रहेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको जीवन में कुछ बदलाव लाना पड़ सकता है। संकोच न करें, चाहे कोई भी दिशा हो, मन में कई प्रकार के सवाल या विचार चलते रहेंगे और अपने
पार्टनर के साथ आप अपनी भावनाएं जताने में बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। यात्रा का अवसर आपको प्राप्त होगा, कहीं पर घूमने फिरने जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। कुछ अनजान लोगों से आपकी चर्चा होगी और कहीं अनजाने स्थान पर जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। उपाय के रूप में एक रोटी उसमें गुड़ रख करके यदि आप गाय को खिला देंगे तो आपके लिए दिन शुभफलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। जरूरी और रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे, उलझी हुई स्थितियां आप संभाल लेंगे, कुछ छोटे मोटे विवाद भी आपके सुलझ सकते हैं। अपना हित देख करके काम करें, बुद्धिमानी से आप परेशानियों का समाधान स्वतः ही निकाल लेंगे। और उपाय के रूप में पीले रंग का चावल, यदि हल्दी में चावल रंग करके यदि आप माता महालक्ष्मी को चढ़ाएंगे तो आपको दिन बहुत ही शुभ फल देने वाला साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और 12 राशियों के लिए उपाय हमने आपको बताए हैं। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।